अभी जस्ट 5:30 बज रहे हैं शाम के, और मैकेनिक का फ़ोन आ गया कि गाड़ी ठीक हो गई है। वैसे तो कल तक बोल रहा था वो, लेकिन अभी ठीक हो गई तभी बस लेने जा रहा हूँ। ठंड बहुत हो गया, बहुत हवा चल रही है, सो अभी पैदल जाऊँगा थोड़ी दूर तक। उसके बाद देखते हैं मेन रोड से अगर ऑटो मिल जाता है फिर ऑटो लेके जाते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी की मतलब ठीक हुई है कम्प्लीटली, सारा टेस्ट करके आएंगे। सो जी गाड़ी मिल गई है, अभी जा रहा हूँ बस घर पे। वैसे तो काफ़ी स्मूथ लग रही है अब स्टार्ट वगैरह होने में, बस होपफुली ऐसी रहे। बाकी तो सर्विस वगैरह तो घर वाले करवाएंगे उधर, क्योंकि मैं गाड़ी शायद इस पर वहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डैडी को पता है मैकेनिक वगैरह जो हमारे हैं कर देते हैं ढंग से, तो उधर ही जाके अब देखते हैं। एक महीना शायद गाड़ी वहीं छोड़ दूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है, खड़ी रहती है, तो उससे फिर वही हो जाता है कि मतलब चलानी चाहिए थोड़ी सी। ठंड वगैरह में यहाँ पे ज़्यादा चलती नहीं है, तो घर वालों को ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस टाइम पे। दी नेक्स्ट डे, वेलकम बैक, डे 2 घर जाने का, बस निकल रहे हैं, वही 1:15 हो रहे हैं, मतलब 1 बजे तक हम निकल जाएंगे। और कल के अकॉर्डिंगली आज सामान बढ़ गया है, जो हम कल ले जाना भूल गए थे आज लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया अपना हीटर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उधर हीटर, दूसरा है ब्लोअर वाला बटक ऊपर वाले कमरे के लिए, ये ज़रूरी है। और बाकी सब तो पैकिंग हो चुकी है। 2 बैग, इसको पहले साइड रख दो, इसको लेके चलता हूं। करे गाड़ी स्टार्ट, वाहेगुरु तो ना लेके हो जाए तो। हो गई भाई, शुक्र है। गाड़ी में सामान मैंने डाल दिया है, कंचन गई है ऊपर, एक्चुअली कुछ सामान भूल गई थी। मुझे अपनी बाइक थोड़ा सीधी करके लगानी है ऐसे अपने पार्किंग में। ले आए सामान, बोलो। पूरा ठूस ठूस के भरा है मैंने डिग्गी में, सारा कुछ आ गया। हाँ डाल दिया, डिग्गी नहीं, जगह नहीं है बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी नहीं है। हीटर आ गया ना, चलो निकलते हैं। हो गया सबको, सामान वगैरह डाल लिया, फाइनली 1 बज रहे हैं पूरे पूरे, निकलते हैं। और एक छोटी सी चीज और कि हमारे साथ चल रही है कंचन की फैमिली भी, क्योंकि लोहड़ी है, फर्स्ट लोहड़ी हमारी, तो हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे सारे मिलके। तो भी करेंगे पहले उनको ही पिक, और अभी तक एक बार भी मतलब शादी के बाद, हाँ, शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। बीच में क्योंकि तबीयत वगैरह खराब हो गई थी तो उस टाइम पे आए नहीं गया था, तो लोहड़ी एक अच्छा ओकेजन था, तो अभी साथ में करेंगे सेलिब्रेट। हाँ, बट बस उनको सामान आ जाए, क्योंकि डिग्गी तो हो चुकी है फुल पूरी, पीछे वाली सीट है, अब जितना आ गया तो कंचन के पैरों में जाएगा आधा सामान मेरे। हाँ तो तुमने तो बोला, तुमने बोला था पैरों में रख लेंगे, नीचे रख लेंगे ना, तुम्हारे ज्यादा खुली जगह है उधर रखनी पड़ेगी। नहीं आ जाएंगे, पतले पतले से तो है मेरी मम्मी और बहन। अरे सामान की बात कर रहा हूँ, सामान भी आ जाएगा देखना, वो तो देखते हैं। चलो यार मैंने तो कम ही सामान लिया है इस बार, मैंने ज्यादा सामान तो लिया नहीं है, लेकिन फिर भी ना सर्दियों की वजह से ना तो थोड़ा हो ही जाता है यार, फुलावट की वजह से सामान। मुझे लगा तुमने जो ब्लू वाला हैंड बड़ा सूटकेस है, मुझे खाली लेके जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है। नहीं उसके अंदर नाइट सूट्स वगैरह है ना, वो फुले फुले से होते ना, वो जगह ले लेते फिर वो ऐसे वो हो गए यार फिर। ओके अब देखते हैं, लेट्स सी, चलते हैं पिक करते हैं उनको, फिर मिलते हैं। ये डॉग्स है ना डोली के पीछे भाग के गए, इतनी तेज भाग के गए और डोली के पीछे। ये जो स्ट्रे डॉग्स है ना ये तो हमला कर देते हैं भाई, हमला मतलब जैसे कि बाहर निकलो ना ये जानते हैं ना, तो ये पीछे पड़ जाते हैं यार। एक दो चीजें रह गई हैं ना अभी ऊपर। अच्छा अभी और भी थोड़ा सा सामान रह रहे हैं, तो फिर निकलेंगे हम लोग। एक जैकेट अपनी गोद में, एक बैग, दो बैग अपने पास, पीछे एडजस्ट किया सामान। ए भगवान इतना सामान तो है ही नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे हो जाता है, हो ही जाता है यार, बचपन की याद दिला दी। यहाँ मिलते हुए ओके, आ जाओ तीनों, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। हाय मम्मी, हेलो, नमस्ते मम्मी, कैसे आएगा सब? गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, अभी पूरी गाड़ी लद के। मम्मी मम्मी तो दिख भी नहीं रही, मम्मी इधर छुपी हुई साइड पे। जो मेन जो गाड़ी चलाते हैं उसको कंफर्टेबल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी जोली में भी सामान अभी रख देंगे तुम कैसे चलाओगे? यहाँ भी मैंने सब कुछ ही यार। सो मिलते हैं अभी, खाना कुडा खाएंगे थोड़ा सा, लेके आए साथ में मम्मी। मम्मी कैसा लग रहा है फिर शादी के बाद पहली बार जा रहे हो? मम्मी तो दिखी नहीं थी कैमरे में। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है फिर आज पहली बार जा रहे हो अपनी लड़की के ससुराल। हाँ है दूसरी बार,
दूसरी, हाँ मतलब दूसरी बार, पहली बार गए थे तब शादी से पहले, अभी जा रहे हैं दूसरी बार, पहली बार चिट्ठी देने गए थे, है ना, संदेश लेके। दली तुझे कैसे लग रहा है, आर यू एक्साइटेड? बहुत लग नहीं रही थी मेरे को, क्यों नहीं लग रही, घबराहट हो रही थी कि मैं इसको 15 दिन के लिए ना रखने वाला। डोली को तो 10-15 दिन के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं, हमें तो बस फंसाना था डोली को, एक बार घर लेके जाना था। डोली ने मम्मी को बोला, मम्मी मना कर देना अगर ऐसे ऐसे बोले, बचपने की हरकतें यही होती है, हम भी मम्मी को फंसा देते हैं हम भी। मैंने कहा मम्मी आप ना हाँ मत बोलते ना बिल्कुल भी, क्या ले रोगी मैं आपको 15 दिन, मैं तो आपके साथ ही आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मम्मी दिख नहीं रही इधर बोलते हुए। सो डॉली के साथ हम यही करने वाले हैं, हमने प्रैंक ही करना था, डॉली को रखना है हमने अपने साथ, डॉली का मुंह उधर जाना चाहते हैं, मजाक कर रहे हैं यार। चल ठीक है यार, तेरे जिज्जे के कहने पे सच बता दी, मजाक कर रहे थे हम तो, तेरे सवाल ले रहे थे बस ऐसे ही। पेट्रोल तो तुमने पहले ही भरवा लिया था, आज तो पेट्रोल नहीं भरवाना होगा ना, है ना? ओके, मौसम भी अच्छा है, सुहाना मौसम धुंध के साथ जो डेली होता है। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है ना, क्योंकि आज राहुल गांधी, अच्छा इधर ही इवेंट है, इधर इवेंट है बड़ा यहाँ पे, वो होता है ना, हाँ जाएंगे सारे के सारे, सिक्योरिटी तगड़ी है। राहुल गांधी यो। अरे हाँ कोक नहीं गया, अगला ये भाई बहन पूरे हाईवे पे, ये भाई बहन कट्टे ना यार, ऐसी प्रमोशन आज तक नहीं देखी मैंने पूरे हाईवे पे जब से चले अपन, हर जगह ही बंद ही नहीं हो रहे होर्डिंग्स। 4 ही बजी है बट लेकिन हो ही जाता है थोड़ा सा, लेकिन अभी आज इतनी धुंध नहीं लग रही देखा जाए तो, वैसे है ना धुंध कम लग रही है, अभी शाम को होती होगी, सही टाइम पे पहुंच गए है ना, 2-3 घंटे में 2.5 घंटे में, 20-25 घंटे रास्ते में। हाँ ट्रैफिक था ना, रायगढ़ सिटी, वेलकम टू रायगढ़ सिटी, वेलकम टू रायगढ़ डिंपल, फाइनली पहुंच गए हम, हाँ पहुंच गए फाइनली, अभी भी घर तो पहुंचना रहता है, 2 मिनट लगेंगे यहाँ से, पहुंच जाएंगे अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है अभी तो। कैसे हो ठीक है? ठीक है बढ़िया, तबीयत ठीक है आपकी? अभी ठीक हो? हां ठीक है, तो बताइए हम आपको, हां सलाम भाई, हां आपको बहुत बहुत बधाई, मैं भी मिल लूं इधर, थोड़ी ना मैं बोला पूछते हो हम दिल्ली से भी, ठीक हूं आंटी जी, ओ देख क्या तन्नू, किसको तन्नू को देख रहे, मैं कहूं उधर की जा रहे, अच्छा मैं कहूं मम्मी इधर की राजू को क्या देख के जा रही है, छोटा ज्यादा तन्नू का सीगा, पर तन्नू का मैं पूछ नहीं, हेलो बिल्लू, बिल्लू फोन गाड़ी में हो, जगह दे दी, जगह ही नहीं, जगह बनानी पड़ती है, डिग्गी पे क्या हुआ, निकाल लेते सामान 2 मिनट, हाँ आ जाओ 2 मिनट में निकाल लेंगे। असली वाली पंजाब की सर्दी है, वो फ्लैट वाली अलग होती है, ये वाली अलग होती है, या खेतों के आसपास वाली है, लग रहा है कि हाँ ठंड है, मम्मी तो ये तो आपको तो आदत है ना, आदत है ना, नहीं मम्मी तो भी बुखार जी उतरे, चाहे कंचन तू गुस्सा करी, चाहे तू हो करी, मैं इन्होंने मना दिया है, एक डेढ़ महीना का बूट पाया कर, बूट पाया कर, कुछ फिर चप्पला पाई चलनी कोई नहीं, सारे पर चप्पलें पाउनी ने, फिर भी ठंड है, महीना भी ठंड है, शादी तो बचो भी चलो, आप आपदा नहीं देख दे, बच्चा ना ज्यादा देख दे, डर दी इतने बूट सीटे पे नवे है ना पूरे, इन भी आदत नहीं हैगी, पाउंदा ही नहीं हैगा,
ਥੱਕ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਸਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹੀ ਚੱਪਲਾਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਬ ਸੇ ਪਹਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕਰੋ ਆਹੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ अब बंदा ठीक ही नहीं होता। पैरों से लगते हैं ना सीधी ठंड पैरों से लगते हैं। अब आप भी जूते पहन के घूमो घर में। मैं तो सोच रही हूँ मगर एक ना एक से होता ना ही हो भी ना ही मर गई है कौन है वो के दोनों मेड फॉर ईच अदर। कादियाँ किस चीज दिया बताई हां हैं वो तो हो गया सी पहला नहीं सामने सामने आमने नहीं हुई थी ना बताइयां इसलिए उनके छोड़े अन्नू को हां जी उसको छोड़ा है मम्मी दे उतर के पीछे उतर के तन्नू को ढूंढ लेते बाहर पीछे बैठी जा ठीक है नहीं नहीं मिठा नहीं खाएंगे मिठाई लाए।